मैं हूं निकुंज सोनी और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। और आज अभी हम आ पहुंचे हैं वसई ईस्ट का इलाका है, जहां पर अभी हम एवरशाइन ब्रॉडवे थिएटर के अंदर खड़े हुए हैं। और यहां पर आज दक्ष फाउंडेशन के संस्थापक श्री सुरेश भाई प्रजापति जी का आज जन्म महोत्सव यहां पर बड़ी ही धामधूम से, जिसकी आज हम लोग बोल सकते हैं कि उत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए हम इस उपलक्ष्य में सुरेश भाई प्रजापति जी से रूबरू बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं सौ प्रतिभा वैतिपाध्य। सुरेश भाई के जन्मदिन पे आज सबसे पहला मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और कल हमने भाई का जो जन्मदिन है, दक्ष फाउंडेशन के भाई जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनका कार्य 3 साल से तो चला है, और उन्होंने कल इतने अच्छी तरीके से जन्मदिन मनाया कि हम लोग एक गांव में गए वसई के अपने, और गांव में जाके अपने आम सारी जनता के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने सारी जनता को अपने हाथ से कुछ धान्य वाटप किया, और उसके बाद उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से वहाँ पे मनाया हम लोग ने। और मैं सुरेश भाई को कहूँगी कि आपका एक कार्य दक्ष फाउंडेशन के माध्यम से ऐसा ही होता रहे। आज हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी उनको ऐसा ही आशीर्वाद दे, और इनका कार्य सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में वो आगे आगे, और यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ। जय श्री राम। हाँ नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज सभी मेरे साथियों ने, दक्ष फाउंडेशन के जो भी मेरे मेंबर थे और मेरे साथी थे, उन्होंने आज मेरा जन्मदिन मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी से आपसे विनती करता हूँ, आप आए, अपना अमूल्य मुझे टाइम दिया, उसके लिए मुझे बहुत बेहतर लगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आगे से आगे इस दक्ष फाउंडेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आपका साथ है इसके लिए मैं कर सकता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दक्ष फाउंडेशन के लिए अपना अमूल्य टाइम दिया, धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।